दोस्तों फ्रंट की देखिए कटिंग हो गई थी। अब चलिए हम आस्तीन की कटिंग करते हैं। आस्तीन की कटिंग देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक जितना देखिए ये आ रहा है, ये देखिए 8 इंच आ रहा है, इसमें 1 इंच माइनस करके 7 इंच का जो है हम आस्तीन में रखेंगे। अब हम इसको साइड कर लेते हैं। अब इसको जो है पहले हम दोस्तों पहले हम ऊपर जो है एक सीधा ऐसे निशान लगाएंगे, एकदम सीधा इसको एल स्केल से देखिए। इसको पहले हम स्केल को ऐसे रख के पहले एक ऐसे निशान लगा लेंगे और अब यहीं से जो है हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 2.25 इंच पहले एक निशान लगा देंगे, 2.25 इंच, और हमने 7 इंच जो है फ्रंट का मुढ़ा का जो है नापा था, ये 7 इंच हम ये रख देंगे। अब हम जो है आस्तीन देखिए 24 इंच है, तो 24 और इसमें आधा इंच और ऐड करके आधा से 1.25 इंच इसमें हम ऐड करेंगे। ये यहाँ पर जो है हम 1, 2, 2.5 इंच, 3 इंच जितना आपको दाब जो है देना है उतना दे दीजिएगा। हम 2.5 इंच का दाब दे दिए हैं। अब हम सारे निशान देखिए पहले सीधा कर लेंगे, इसको भी हम एकदम सीधा ऐसे करेंगे ऐसे, और इसको भी हम सीधा कर लेंगे ये देखिए ऐसे, और इसको हम इतना हम क्रॉस कर लेंगे करीब जो है जैसे ऐसे सीधा कर लेते हैं। देखिए ये पहले देखिए हम एक ऐसे सीधा निशान लगा के हम आपको बता दे रहे हैं, ये हो गया। और यहाँ से 1/2 इंची और 1/2 इंची ऐसे निशान लगा के अब इसका देखिए हम क्रॉस निकाल लेंगे। देखिए इतना ये ऐसे ये हो गया ऐसे, और ये दाब वाला ऐसे। अब यहाँ से देखिए ये 18.5 पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी 18.5 पे देखिए ऐसे निशान लगा लेंगे ऐसे, ताकि ये एकदम सीधा हो गया। और हम शेप स्केल को देखिए इसको ऐसे यहाँ और यहाँ ऐसे रखेंगे, जो हमने निशान लगाया हुआ है उसी पे हम देखिए ऐसे रखेंगे ये देखिए ऐसे। और यहाँ पर 1.5 इंच में 1 सूत कम पे हम एक निशान ऐसे लगा देंगे, 1.5 इंच में 1 सूत कम पे हम एक निशान ऐसे लगा देंगे। इसको भी हम ऐसे मिला लेंगे देखिए ऐसे ऐसे। अब हम जो है इसकी लूजिंग रखेंगे। सीना देखिए 39 इंच है, तो उसका चौथाई करेंगे 10.5 इंच आएगा, इसमें 1/2 इंच माइनस करके 9 इंच पे हम जो है निशान लगा देंगे। फिटिंग वाले में 1/2 इंच हम माइनस करके निशान लगा देते हैं, और मीडियम फिटिंग रहती है तो 1/2 इंच माइनस करते हैं। और अगर कोट कस्टमर को लूज चाहिए, ढीली ढाली एकदम चाहिए, तो अब उसको जो चौथाई पे डायरेक्ट निशान हम लगा देंगे। तो देखिए हमने 1/2 इंच माइनस करके निशान लगा दिया है। अब हम उसका आधा करेंगे तो 4.5 इंच आएगा, इसमें और 1/2 इंच माइनस करके मतलब 4 इंच पर हम ऐसे निशान लगा देंगे, और हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। सीधा देखिए ऐसे हो जाएगा ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, और इसको जो है ऐसे निशान लगा देंगे, ये हो गया। यहाँ पर हम 5.5 इंच का निशान लगा देंगे, यहाँ इस निशान से ये वाले निशान से 5.5 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे। और ये 36 इंच अगर चेस्ट रहता तो 5.25 इंच का हम निशान लगा देते हैं, फिटिंग में जो है नहीं चलेगा, बाकी लूज में जो है आप जो है 1/2 इंच इसको बढ़ा के निशान लगाएंगे, लेकिन ये फिटिंग है इसलिए जो हमको इतने ही निशान लगाएंगे हम। अब देखिए इसको ऐसे एक निशान पर ऐसे लगा लेंगे, इसके बाद जो है इसको हम यहाँ से ऐसे मिला लेंगे ऐसे। इसको जो है ऐसे मिला लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, देखिए ये हो गया। इसको शेप स्केल से इसको हम
यहाँ से और यहाँ तक इसको रख के इसको हम मिलाएंगे ऐसे। देखिए ऐसे रहेगा ये, ये देखिए ऐसे। ये हो गया दोस्तों, देखिए ये आस्तीन का निशान पूरा लग गया है। अब चलिए हम इसी कटिंग कर देते हैं। दोस्तों देखिए ये आसिनिंग हमारी, ये ऊपर वाला पल्ला कट गया है। अब चलिए हम नीचे ताल वाला पल्ला काटते हैं। इसको पहले हम ऐसे रखेंगे जो शेप में ऊपर वाला हमने पल्ला काटा है, इसी शेप में हम नीचे ये इसको भी पहले काट लेंगे। ऐसे अब जो है पहले हम देखिए यहाँ ऐसे निशान लगाते रहे हैं, यहाँ से इस निशान से पौना इंच पे हम एक निशान लगा देंगे। देखिए ये पौना इंच और यहाँ पर आधा इंच पे हम निशान लगा देंगे। ये आधा इंच पे निशान लगा दिए हैं। अब हम इसको ऐसे उठा के इस पे हम रखेंगे ये आधा इंची और पौना इंची वाले को। देखिए इस कैसे रखना है, देखिए ऐसे ये हो गया, ये हो गया। देखिए ये देख सकते हैं आप, ये जो हमने पौना इंच पे ऊपर ऊपर पौना इंच रहेगा ऊपर, देखिए ये निशान लगाया है और ये देखिए इतना आ रहा है, ऐसे रहेगा। और ऐसे ही नीचे देखिए आधा इंच पे निशान लगाया है, आधा इंच पे देखिए ये आ रहा है, ये अब इसको जो है हम पहले एक ये सीधे वाले निशान के सामने एक ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम एक से सवा इंच पीछे हम एक निशान लगा के हम इसको ऐसे क्रॉस कर लेंगे। देखिए ऐसे ऐसे, अब इसको हम निशान लगा के मारेगी इसकी उठा लेंगे। देखिए ये हो गया ऐसे। अब इसी निशान के नीचे एक निशान देखिए ऐसे लगा देंगे, देखिए ये ऐसे लग गया ये। अब यहाँ से एक इंच पीछे हम एक निशान ऐसे लगा के इसको यहाँ से ऐसे राउंड करके मिला लेंगे। देखिए ऐसे ये हो गया। अब हम इसी कटिंग कर लेंगे।
ये हो गया। दोस्तों देखिए ये हमारी कटिंग ये पूरी हो गई। आस्तीन की कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को और नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ताकि आने वाली कटिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट कोट कटिंग के साथ।